ये रविदास पार्क जो भी हम इसके अंदर गए थे प्रवेश करके, फिर घूमे हुए टहले, फिर पता चला कि 5:30 बजे वाली गेट खुलती है, तो मैं अंदर से ही इस तरफ आ गया। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि मैं इधर आ पाऊँगा कि नहीं, और फिर मैं जब इधर आया तो इधर काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे काफ़ी क्रूज़ खड़े हुए हैं। अलकनंदा है और एक उधर भी है, एक उधर भी है, काफ़ी है, भागीरथी भी है, और गंगा जी का बाढ़ तो आप देख ही रहे हैं, इतना भयंकर है, बहाव काफ़ी तेज है। यहाँ पे अलाउड नहीं है लोगों का नहाना, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कोई नहा नहीं रहा है। और वो है आपका सामने घाट वाला पुल, इसके आगे चलेंगे सामने घाट जाएगा। पिल्लू ओके, ये भी अलकनंदा क्रूज ही है, लेकिन वो लगता है फिलिंग स्टेशन के लिए काम किया जाता है। इट्स क्वाइट गुड एंड बेहतर, काफी अच्छा है, डिश टीवी भी लगा है, सभी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ये है का क्रूज के किराया इसका है 900 पर पर्सन है, और उसके एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है आपको, तब आपको ये लोग बोर्ड करने देंगे। और ये बोर्ड आगे वाला नहीं जाएगा, पीछे वाला जाएगा, पीछे वाला अलग से जाता है, ये आगे वाला बस मतलब कि फिलिंग स्टेशन टाइप का है, कि यहाँ पे सबको फिल करना, को ठीक करना, ये सब चीज़ें हैं, ऐसे करके तब आप आगे जा सकते हो। यहाँ पे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ही आप से ऊपर से नीचे आ सकते हैं, फिर वहाँ पे एंट्री लेंगे। ये वाला नया आ रहा, इसको नीचे करेंगे, तब धीरे से लोग इसको ऊपर रोड कर पाएंगे। ऊपर भी बैठे देने, इसमें आपको नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, खाने के लिए नौ स्विमिंग इंक्लूड रहता है, कि आपको क्या दिया जाएगा उससे तो भयंकर। मुझे सामने वाला स्वामी विवेकानंदा विवेक काफ़ी वेस्टर्न बहुत भयंकर लग रहा है। तो और पानी का बहाव तो देख ही सकते हैं कितना खतरनाक है, पूरा बनारस दिखाई देता है यहाँ से, लुक सो फैंटास्टिक। ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग, यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और ऊपर जो कुर्सी वगैरह देख रहे हैं और लोग अपना बैठ के एंजॉय करते हैं। ये पानी तो काफ़ी ऊपर आ गया, नहीं तो ये पानी जो ये नीचे लगी हुई है काफ़ी नीचे आती है, तो लोग नीचे तक भी जा के बैठते थे, तब एक फिलहाल पानी तो काफ़ी बढ़ चुका है। खूबसूरत, अच्छा लग रहा है। ओके, लोग यहाँ से बोर्ड करते हैं, इसके अंदर आपको टिकट दिखाने पड़ेंगे, फिर आप बोर्ड करके अंदर चले जाओगे। ये क्रूज से इसका आनंद लेते हुए अंदर में जा सकते हैं, कि ऊपर बैठ के आप जा पाओगे। एक्सपेंसिव तो है काफ़ी है, और गंगा जी का व्यू तो आप देख ही रहे हैं, शानदार जबरदस्त। ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर कैसा माहौल है। ओके, यहाँ पे पिंड दान कर रहे हैं लोग, पितृष्ण का आज आखिरी दिन है, तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, तो कल से यहाँ सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा है, बढ़िया बेहतरीन। धीरे धीरे लोग इसके अंदर बोर्ड करेंगे, फिर ये आपको पूरा इस घाट से रविदास घाट से लेके पूरा आपको मणिकर्णिका घाट तक, यहाँ से मणिकर्णिका दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ से, कैमरा नहीं कर पाएगा शायद। कैमरे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है मेरे, तो शायद नहीं कैप्चर कर पा रहा है।
तो ऐसा कुछ है इस घाट का, घाट पे मतलब टाइम यू कैन स्पेंड अ क्वालिटी टाइम ओवर देयर एंड एंजॉय। दैट्स प्रीटी गुड एंड वेरी गुड टू बी ओवर देयर।